गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के जो वीडियो में है वो जितने भी उदाहरण हैं, कॉम्प्लिकेटेड उदाहरण हैं, उनका एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, एक दो डाउट भी आए हैं तो वो भी इस वीडियो में आप अपने क्लियर कर सकते हो। तो जैसे 8.1, 2, 3 में, जैसे 8.1 का तो जो वीडियो कॉम्प्लिकेटेड था मैंने बता दिया था, और जैसे 8.2 एक्सरसाइज है उसमें 12th का जो सी पार्ट है, ये क्या बोला है, x प्लस 1 की होल क्यूब x माइनस 3 की होल क्यूब, x प्लस 1 की होल क्यूब है, x माइनस 3 की होल क्यूब है, ये आपका उदाहरण है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, एमटी सेंस निकालोगे u इंटू v की तरह, x प्लस 1 की क्यूब बाहर ले लिया, इसका हो जाएगा 3 x माइनस 3 की स्क्वायर, फिर प्लस x माइनस 3 का हो क्यूब बाहर ले लिया, तो इसका हो जाएगा 3 x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब इनमें कॉमन क्या है, एक तो 3 कॉमन है, एक x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन है, एक x माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन है, ये कॉमन है तो यहां पे क्या बच जाएगा, x प्लस 1 बच जाएगा, यहां बच जाएगा x माइनस 3, ये जी बचेगी आपकी। अब x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 2x माइनस का 2, x x 2x हो गया, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, इसमें आ रहा 2 कॉमन, तो 2 3 6, x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर और x माइनस 1। अगर ये तो स्क्वायर है, ये तो आपकी धनात्मक होती है, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं, मतलब कौन से अंतराल में वर्तमान होगा, कौन से हास्यमान होगा, तो इसमें तो आपको मतलब कोई बिंदु की कोई जरूरत ही नहीं है, चाहे कुछ भी रखो, एक्स की जगह क्या मान आएगा, प्लस का मान आएगा आपको, मेन दिक्कत बस ये एक्स माइनस 1 की है। अगर यहाँ पे आप एक्स माइनस 1 में 1 रखते हो तो 1 माइनस 1 0, तो 0 पे मतलब आपका क्या, ना तो वर्तमान है हास्यमान, एक्स की जगह 2 रखा, 2 में से 1 गया 1, मतलब प्लस का, यानी 1 से ज्यादा मान रखोगे इसके अंदर, यानी कि x माइनस 1 यदि 0 से बड़ा है तो f डैश x भी क्या हुआ, 0 से बड़ा हुआ, और यदि सॉरी 1 से x माइनस 1 0 से छोटा होगा, छोटा हुआ यानी x लेस देन 1, तो f डैश x क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तो अंतराल आपका आगे यहाँ पे वर्तमान के लिए, तो मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होने का मतलब x संबंधित होना चाहिए 1 से अनंत तक, और हास्यमान का x संबंधित होना चाहिए माइनस अनंत से 1, तो सिर्फ इसको चेक करना था, ठीक है ना, इसको आपने कोई मतलब जैसे उसमें पॉइंट निकाल लेते ना, जैसे x बराबर माइनस 1 x माइनस, वो किसलिए था, जब यहाँ पे स्क्वायर नहीं थी तब उनका कंसर्न नहीं था कि मतलब प्लस के आएंगे या माइनस के आएंगे, लेकिन इसमें कंफर्मेशन है आपके पास में, श्योरिटी है कि मतलब ये जो स्क्वायर है वो हमेशा क्या आएगी, आपकी धनात्मक आएगी, तो इसीलिए सिर्फ इस बिंदु को आपने चेक करना है, इसमें आपका अंतराल निकल जाएगा। ओके, एक से अनंत में वर्तमान, माइनस अनंत से 1 में हास्यमान होगा। ओके, अगला सिद्ध कीजिए कि ये वाला जो फलन है वो थीटा संबंधित है 0 से पाई बाई 2 में, वर्तमान फलन है क्या, ये पूछा है, तो वर्तमान सिद्ध करना है तो मतलब dy बाय डी थीटा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो dy बाय डी थीटा निकालते हैं इसका भाई, इसका u अपॉन v की तरह लिया तो 2 प्लस cos थीटा की होल स्क्वायर, नीचे वाले की स्क्वायर आ गई, 2 प्लस cos थीटा बाहर लिया, 4 साइन का क्या हो गया cos थीटा, माइनस
चार साइन थीटा बाहर लिया, दो का जीरो हो गया कोस थीटा का क्या जाएगा माइनस साइन थीटा, और थीटा का कितना हो जाएगा थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर चार दुनी आठ कोस थीटा, ये हो गया चार कोस की स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस ये आ गया चार साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो चार साइन स्क्वायर थीटा चार चार कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, ये हो गया एट कोस थीटा प्लस फोर अपॉन दो प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर माइनस एक। अब लघुत्तम ले लो इसका, ये आ गया लघुत्तम, तो ये एज इट इज एट कोस थीटा प्लस फोर माइनस दो प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहां पे एट कोस थीटा प्लस का चार माइनस दो प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर, बोलो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस टू ए की, दो की स्क्वायर चार प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस दो दूनी चार कोस थीटा अपॉन दो प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर, तो डी वाई बाय डी थीटा आपका एट कोस थीटा प्लस चार माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस दस माइनस चार कोस थीटा अपॉन दो प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर। अच्छा, तो डी वाई बाय डी थीटा बराबर चार से चार कट गया आठ कोस थीटा में से चार कोस थीटा जाएगा, तो चार कोस थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा अपॉन दो प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें कोस थीटा कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा चार माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर, जो कोस थीटा है ये तो स्क्वायर तो हमेशा प्लस की होती है, जीरो से नब्बे के बीच कुछ भी हो जाए, कोस थीटा जीरो से नब्बे के बीच में मतलब क्या है धनात्मक होता है, सिर्फ दिक्कत है चार माइनस कोस थीटा की, तो चार माइनस कोस थीटा आपको पता होगा तो कोस थीटा का जो मान होता है वो किस किस के बीच में होता है, माइनस एक से एक के बीच में होता है, लोवेस्ट माइनस एक है, हाइएस्ट क्या है आपका एक है, तो हाइएस्ट करके देखिए इसका मान है चार में से एक जाएगा तीन, मतलब क्या रहा है प्लस का तीन, और वैसे भी आपको जीरो से नब्बे के बीच में मान रख के देख लो आप इसका कोस साठ का कोस तीस का कोस पैंतालीस का, चार में से माइनस करोगे तो मान किसका आएगा प्लस का आएगा, तो ये जो मान है वो आपका किससे बड़ा है जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा तो क्या है वर्तमान फलन है आपका। ओके, देखो उदाहरण नंबर 17 है, ये दिया गया वक्र है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस तीन बराबर जीरो, पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर हो, ये कट गया था, दूसरा एक्स एक्स के लंबवत हो, एक्स एक्स के लंबवत होने का मतलब ये एक्स एक्स है ये लंबवत, इसके लंबवत होने का मतलब क्या हो गया आपका वाई एक्स के समांतर है, एक्स एक्स के लंबवत बोले तो एक्स एक्स के लंबवत क्या होता है वाई एक्स, तो वाई एक्स की क्या होगी समांतर होगी, तो दोनों की प्रवणता क्या होगी बराबर होगी, तो वाई एक्स की प्रवणता क्या होती है अनंत, स्पर्श रेखा की प्रवणता डी वाई बाय डी एक्स, तो ये तो दोनों आप कर सकते हो। इसका जो तीसरा पार्ट दिया है वो दिया है कि दोनों एक्सों से समान कोण बनाती है, तो दोनों एक्सों से समान कोण बनाने का मतलब ये एक्स है ये वाई है ये कोई भी वक्र है ये इससे भी पैंतालीस पैंतालीस ये सिस्टम होगा, टेन पैंतालीस का मान कितना होता है एक,
तो दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है। तो देखो इसका प्रवणता निकालो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, डी वाई बाय डी एक्स, इसका 2 = 0, 2y डी वाई बाय डी एक्स बराबर 2x + 2, माइनस का 2x + 2, 2 से 2 कट गया, डी वाई बाय डी एक्स आपका क्या बच गया, माइनस x + 1/y, ये बच गया। तो ये प्रवणता आ गई किसकी, स्पर्श रेखा की, तो इसके हिसाब से कितनी आनी चाहिए, एक आनी चाहिए, तो 1 - x / y किसके बराबर होगा, एक के बराबर, यानी कि y बराबर आ गया 1 - x, या फिर x बराबर आपका आ जाता है 1 - y, इसी का मान रखिए, जैसे y का मान आ गया आपका, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, यानी प्रवणता आपकी मैंने रख दी 1 के बराबर, तो y का मान आ गया 1 - x, ये y का मान यहाँ समीकरण 1 में रख रहा हूँ मैं, x² + 1 - x² - 2x - 3 = 0 आ गया। सोल्व करो, x² + 1 + x² - 2x - 3 = 0, x² 2x² ये हो गया माइनस का 4x और ये हो गया माइनस का 2, 2 कॉमन आ रहा है, 2 जीरो में चला जाएगा, ये हो गया ठीक है। दूसरी बात समीकरण होगी सही तरह से इसे सोल्व करता हूं, x - b + - b² -2b² - 4a1 है, c आपका -1 है, बटे 2a, 2 + - - - - + 4 और 4 कितना हो गया 8/2, 2 ऊपर आ गया a, सॉरी 2 + - √8 का मतलब हो गया 2√2 बटे में 2, 2 ऊपर आ रहा है तो 1 + - √2, ये तो आ गया आपका x का मान, x का मान यहां पे रख देंगे तो y का मान आ जाएगा, तो y है 1 - x, x की जगह मैंने रखा 1 + √2, तो y का मान आ गया -√2, x की जगह रखा मैंने 1 - √2, 1 से 1 कट गया, y का मान आ गया √2, तो जो बिंदु आया आपका वो आया 1 + √2 - √2, 1 - √2 पे आया है कितना √2, ठीक है। तो ये आपके क्या थे जो उदाहरण थे, उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम या डाउट आए थे वो मैंने सोल्व कर दिए, फिर भी अगर और किसी उदाहरण में आपकी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना सर के, और इनको बढ़िया ढंग से 8.1, 2, 3, 4 को बढ़िया ढंग से आपको निकालना है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है हर में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं आपके, तो इनको आपको बढ़िया ढंग से तैयार करना है, ओके।